बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर लेकर आई हूँ। आप इस बॉर्डर से थाल कवर, टेबल कवर किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हैं। इससे वुलन ब्लाउज, कार्डिगन, जैकेट, कोई भी डिज़ाइन, बेबी फ्रॉक भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए मैंने वाइट कलर की मोती भी लगाया है, और मोती अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी से ये बन जाता है। सिर्फ देखिए यहाँ पे दो सिलाई की मैंने नीटिंग की है। कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर आई हुई है, काफ़ी खूबसूरत। देखिए कंगूरे वाली डिज़ाइन है ये। देखिए अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप सिंपल भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 15 के मल्टीपल फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 60 फंदे ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ये देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर की नीडल यूज़ की है। 60 फंदे लेने के बाद आपने दो सिलाई आगे की साइड से और पीछे की साइड से सीधी सीधी निकालनी है, सीधी सीधी बुननी है हमने। देखिए दो सिलाई, ये देखिए आगे की साइड से भी हम सीधा बनाएंगे और बैक साइड से भी सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये, इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। जैकेट, कार्डिगन या वुलन ब्लाउज बना रहे हैं या सॉक्स बना रहे हैं तो आप ऊपर की साइड इसको रखेंगे तो बहुत ही प्यारा ये पैटर्न बन के आएगा। तो चलिए हम ऐसे ही दो सिलाई, पहले देखिए आगे की साइड से ऐसे ही हम सीधा सीधा बुनेंगे, उसके बाद पीछे की साइड से भी। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड से भी हम यहाँ पे इसको सीधा सीधा बनाएंगे। दो सिलाई आपने इसकी बनानी है, आगे की साइड से भी सीधा सीधा और पीछे की साइड से भी सीधा सीधा। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए हैं। यहाँ पे दो सिलाइयों की हमने निटिंग की है दोनों साइड से सीधा सीधा। अब आगे की तरफ आ गए हैं तो आगे की तरफ से हमारी देखिए डिजाइन बनना शुरू होगा। तो हमने फर्स्ट वाली देखिए फंदे पे हमने, अब हमने 15 फंदे पे तीन तीन बार रैप करेंगे। देखिए 1, 2, 3 ऐसे हमने 15 फंदे पे रैप करना है, तीन तीन बार लपेटना है। 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ऐसे ही हमने ये 15 फंदे पे लपेटना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 15 फंदे पे तीन तीन बार लपेट लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए फंदे को हम खोलेंगे। देखिए सभी 15 फंदे को हम खोलते हैं। ये देखिए हमने 15 फंदे को खोल दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमने यहाँ पे 15 फंदे को खोला। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक क्रोशिया लेना है। क्रोशिया की सहायता से हम देखिए 15 फंदों में हमने यहाँ पे देखिए सभी फंदों में हम, और फंदा हमारा यहाँ पे पलटना नहीं चाहिए। ये देखिए सभी लूप में हम यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे। देखिए ऐसे हमने ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 15 फंदों में ये क्रोशिया को डाल लिया। अब क्या करना है, अब इसको हम फंदे को यहाँ से ये देखिए ऐसे करके और इसमें से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे हमने निकाला, फिर इसमें से एक बार और हम निकालेंगे। ये देखिए तो हमारी ये डिजाइन ऐसे ये बन के आएगी। इसको हम इस सिलाई पे ले लेंगे और यहाँ से ये देखिए लास्ट से हम यहाँ से एक फंदे उठाएंगे, इसको भी हम इस पे सिलाई पे लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे दो फंदे हो गए। अब फिर हम यही करेंगे, 15 फंदे पे तीन तीन बार रैप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने यहाँ पे 15 फंदे पे तीन तीन बार लपेट लिया है। अब इन 15 फंदे को हम ऐसे गिराएंगे सिलाई से। देखिए
15 फंदे को गिराने के बाद फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से एक एक फंदे क्रोसिया पे ले लेंगे और फंदे जो हमारे हैं वो पलटने ना पाए फ्रेंड्स, इतना आपने केयर करना है। जो इसकी लूप है उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे ये सीधे सीधे होने चाहिए। ये देखिए देखिए यहाँ पे हमने 15 फंदे को क्रोशिया पे ले लिया। अब क्या करना है हमने, फिर देखिए वही करना है हमने, यहाँ पे फिंगर में लपेट के फिर इन सभी 15 फंदों के अंदर से हमने यहाँ पे इसको निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे 15 फंदों के लूप से निकाल लिया। अब आपने इसको एक बार और इस चैन से निकालना है, इसको टाइटली आपने कर लेना है, फिर एक बार इस चैन से और निकालना है। ये देखिए फिर आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हम जो यहाँ पे एक हमारा आपका कॉर्नर दिख रहा होगा लास्ट वाले में, यहाँ से एक फंदे हम उठा लेंगे। ये देखिए एक फंदे उठाने के बाद हमने ये क्रोशिया वाला भी फंदा इसी में डाल लेना है। तो ये हमारी डिजाइन देखिए कुछ ऐसे बन के आ रही है, तो कितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स और कितना ईजी है। फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 15 फंदे पे फिर हमने ये तीन तीन बार लपेटना है। देखिए 1 2 3 एक फंदा बुना, फिर देखिए 1 2 3 ऐसे ही हमने फिर 15 फंदों पे लपेट लेना है। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने ये 15 फंदे पे बना लिया, फंदे को हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए हमने फंदे को निकाला और एक एक फंदे आप ऐसे लेती जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स एक एक फंदे हम यहाँ से ऐसे उठाते जाएंगे क्रोशिया में, बहुत इजी डिजाइन है। ये देखिए बस आपके फंदे पलटने नहीं चाहिए, नहीं तो ये डिजाइन अच्छे से बन के नहीं आएगी। आप ऐसे देख लें, देखिए किस साइड है, तो ऐसे ही आपने सीधा सीधा उठाना है। ये देखिए फिर वही प्रोसेस करना है हमने। एक चीज़ केयर कीजिएगा फ्रेंड, जब आपने यहाँ से ऐसे फिंगर पे डालेंगे तो ये फंदा हमारा जो है छोटा हो जाएगा, तो इसको आपने ऐसे ढीला छोड़ के फिर निकालना है इस लूप से। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे उठा लिया, ऐसे निकाल दिया, फिर इसमें से एक लूप और हम निकालेंगे। देखिए एक लूप और निकालने के बाद तो ये हमारी डिजाइन अच्छे से बन गई। फिर हम यहाँ एक कॉर्नर से जहाँ से हमारी ये जिगजैग डिजाइन बन रही है एक फंदे उठाएंगे और एक ये हो जाएगा। देखिए हमारी कितनी प्यारी डिजाइन बन के आ रही, फिर आपने ऐसे एक और बना लेना। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये डिजाइन भी बना दिया, अब लास्ट वाले कॉर्नर से हमने यहाँ पे एक फंदे उठा लेने। देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनी है, और अब पीछे की साइड जैसे हमने फंदे को घटाया था वैसे ही बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं हम, देखिए पीछे की साइड आ गए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंदे को तो हम ऐसे ही बनाएंगे जो फंदे बने हैं। अब यहाँ पे हम 6 फंदे उठाएंगे, एक डालेंगे, देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 फंदे, फिर इसको हम एक फंदा यहाँ पे सेंटर वाला बुनेंगे। फिर यहाँ से हम 7 फंदे उठाएंगे, 7 फंदे देखिए डालेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 एक बार हमने स्टार्टिंग में 6 फंदे डालने हैं, फिर एक फंदा बीच वाला बना के फिर 7 फंदे डालने हैं ऐसे, फिर इसको हम बुन लेंगे 7 फंदे के बाद, फिर हमने यहाँ पे 6 फंदे डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 फंदे,
फिर एक फंदा हमने यहाँ पे बुना, फिर टोटल हमने यहाँ पे एक फंदे बुनने के बाद फिर सात फंदा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, फिर छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर इसको बुना, फिर छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर एक फंदा बुना, फिर एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे हमने कितना उठाया था, एक दो तीन, यहाँ पे हमारे सात फंदे, छः हो गए सात, एक बार छः फंदे एक बार सात फंदे, यही आपने बस नोटिस करना है, सात फंदे फिर हम यहाँ पे छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर लास्ट में एक फंदा हम दो लेंगे। अब देखिए आप लोग काउंट करेंगे फ्रेंड्स, तो टोटल हमने जितने फंदे साठ फंदे लिए थे, तो यहाँ पे हमारे साठ फंदे बन के आ गए होंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, आपकी पूरी डिज़ाइन बन गई है। तो दो सलाई आपने उल्टी उल्टी की बनाने के बाद तब आप पूरी प्रोजेक्ट फिर से बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास मोती है तो आप देखिए, मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर की मोती है, तो सेंटर सेंटर में आपने यहाँ पे जैसे यहाँ से ऐसे मोती भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। ऐसे ऐसे आपने मोती भी यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।